पीटीवी के मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नुसरत ठाकर को दुनिया से रुखसत हुए कितने बरस बीत गए और उनकी जिंदगी पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम हिस्टोरिकल जर्नी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हिस्टोरिकल जर्नी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर हो। पीटीवी के मारूफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नुसरत ठाकर को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। नुसरत ठाकर ने कई यादगार ड्रामा सीरियल पेश की। ड्रामा सीरियल वारिस ने ऐसा तहलका मचाया कि नुसरत ठाकर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। शानदार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नुसरत ठाकर 1937 में लाहौर में पैदा हुए। अमली जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, फिर पाकिस्तान टेलीविजन से बतौर ड्यूटी ऑफिसर वाबस्ता हो गए। वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी रहे और बाद अजा मुकम्मल प्रोड्यूसर बन गए। नुसरत ठाकर ने बतौर जनरल मैनेजर पीटीवी लाहौर सेंटर भी खिदमत अंजाम दी। इस दौरान उन्होंने कई लाजवाब ड्रामों की पेशकश और हिदायत दी। नुसरत ठाकर की शोहरत का आगाज अमजद इस्लाम अमजद के अजीज करदा ड्रामा सीरियल वारिस से हुआ। इस सीरियल का आगाज गजनफर अली ने किया। तहम चंद किस्तों के बाद इस सीरियल की जिम्मेदारी नुसरत ठाकर के कंधों पर आ गई, जिन्होंने उसे पीटीवी का यादगार ड्रामा सीरियल बना दिया। नुसरत ठाकर के ड्रामा सीरियल में दहलीज, समंदर, प्यास, ख्वाहिश, नशीमन, दुनिया और गुलाम गर्दिश नुमाया है। ड्रामा सीरीज में अंधेरा, उजाला, रात, रेल और खत के नाम सर फहरिस्त है। नुसरत ठाकर 7 नवंबर 2009 को लाहौर में इंतकाल कर गए और लाहौर कैंट कब्रिस्तान में असूदा खाक हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें।